जय भीम और सलाम वालेकुम साथी। मैं इम्तियाज नदव, वंचित भोजन आघाड़ी, स्टेट स्पोक्सपर्सन। आज खुसूसन औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे उम्मीदवार हमने उतारे हैं वंचित भोजन आघाड़ी की तरफ से, अफसर खान साहब, उनके ताल्लुक से बहुत सारी आड़ी टेढ़ी सही और गलत बातें माहौल के अंदर बड़ी छा रही है। तो महाराष्ट्र के तमाम दिगर इलाकों से और खुसूसन औरंगाबाद शहर से ये जो चीजें आ रही है, मैं उस ताल्लुक से जो गुत्थी बनी हुई है उस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम वोटर्स। मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि हमें इस बात को समझना होगा कि अफसर खान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव या उम्मीदवार नहीं है। अफसर खान को जो उम्मीदवार बनाया गया है वो मजलूम कौमें वंचित समूहों की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। तो इसमें एक बात समझने से ये है कि उम्मीदवार वंचित का वो होगा जिसे वंचित अपना मानेंगे और वंचित अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, वो उम्मीदवार होगा वंचित भोजन आघाड़ी। और अगर किसी को ये लगता है या फिर ये बात फैलाई जाती है कि MIM पार्टी और उसके जो MP है फिलहाल इम्तियाज अली, तो उनके वोट काटने के लिए या फिर उनको हराने के लिए हमने वंचित भोजन आघाड़ी की तरफ से किसी को खड़ा किया है, तो एक साफ साफ तौर पर बात बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी लड़ाई लड़ रही है। इसके पहले जो इम्तियाज अली चुन के गए थे वो वंचित के सपोर्ट से चुन के गए। समझने वाली बात यह है कि उस वक्त 2019 में अगर इम्तियाज अली को चुन के लाने में वंचितों ने अपना दमखम दिखाया है, अपनी कोशिश अपनी मेहनत लगाई है, तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं वंचितों को इम्तियाज अली अपनी पहली पसंद नहीं लग रहे। और जहां तक बात है वोट काटने का, आप हमें एक बात बताइए, आप ये सोच सकते हो इस चीज को कि नवाब मलिक हो, बाबा सिद्दीकी हो, फरहान आजमी हो, नसीम खान हो, ये वेल सेटल लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर महाराष्ट्र के, इनके खिलाफ जब मैंने उम्मीदवार उतारे थे तो इसको आप किस तरह से देखो, इसको क्या न्याय हो गया? तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि औरंगाबाद के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है उसको वही न्याय से देखा जाएगा, उसी नजर से देखा जाएगा जिस नजर से इन बाकी कैंडिडेट के खिलाफ जब MIM ने उम्मीदवार उतारे थे तो उनको आपने जिस नजर से देखा होगा। समझने वाली बात यह है कि वंचितों के सपोर्ट को लेकर अगर हमारा कोई MP चुन के जाता है तो वो मुस्लिम कौमें ये भी चाहेंगी कि इन्हीं मुसलमान भाइयों के मदद से हम अपना भी कोई नुमाइंदा संसद तक भेजें, हम कायदे मंडल विधानसभा के अंदर अपना कोई नुमाइंदा भेजें। लेकिन गलती यह हुई कि उनके नुमाइंदे जब तक पहुंचेंगे या पहुंचने चाहिए थे तब तक सबर नहीं किया गया, वहां से पीछे हटा गया, उस अलायंस को तोड़ा गया। अच्छा चलो ठीक है, ये छोटी मोटी बात है या फिर ये अलग चीज है, लेकिन दूसरी बात यह है कि खुद एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर को मुसलमानों ने सोलापुर अकोला से बड़ा नाराज किया, फिर भी ना कोई कीना, ना कोई कपट, ना कोई बुक्स, कोई दिल में किंतु परंतु नहीं लाते हुए फिर से जमीन पर उतर के बाला साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से मुसलमानों के लिए काम किया। मैं खुद पश्चिम महाराष्ट्र से आता हूँ, यहाँ पे जब किसी बादशाह का स्टेटस रखने से और बाकी सब चीजों से जब मुसलमानों के छोटे छोटे गांव के अंदर जब अटैक होते थे मुसलमानों के ऊपर, तो तब ऐसे गांव खेड़े और देहात के अंदर जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन ना के बराबर है, इक्का दुक्का घर मुसलमानों के, ऐसी जगह में जब अटैक होता था तो उनके पीठ पीछे कौन खड़े रहता था? वो सिर्फ और सिर्फ वंचित भोजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे जो पुलिस स्टेशन तक मुसलमानों के साथ जाते थे। ये काम वंचितों ने मुसलमानों के लिए किया। और फिर उसके बाद एक बात समझने जैसी है कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश दारुल अमन मुल्क है मुसलमानों, यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की राय नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पे हमें बाकी गए दिगर मजहबों की राय के साथ अपनी राय को जमाना पड़ेगा, हमें उनके राय के साथ अपनी राय को मिलाना पड़ेगा। और वंचित समूह अगर इस बार इम्तियाज अली को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहा है और उसकी वंचित समूह की अगर पहली पसंद इस बार अगर अफसर खान है, तो मुसलमानों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि इस बार अगर वंचितों का दिल नहीं मान रहा है तो हमें किसी भी हाल में इकट्ठा आना पड़ेगा, हमें मजलूम एकता का नारा देना पड़ेगा और हमें आके अपना नया रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजना पड़ेगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि वही MP बने, वही इम्तियाज अली हमारा सदर बने या फिर MP बने और चुन के जाए, आपको बात में समझा दूं कि इस्लाम के अंदर शख्सियत परस्ती नहीं होती। बहुत भारी बात करता, बहुत काम करता, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर एक बात बताता हूँ कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही फॉर्म में थे, बहुत फॉर्म में थे, कोई जंग नहीं हारते थे। लोगों का गुमान होने लगा कि मुसलमान क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ खालिद बिन वलीद जैसा कमांडर है। ये जब राय फैलने लगी, ये जब गुमान फैलने लगा, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत के अंदर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोका
क्यों? क्योंकि ये राय वो बदलना चाहते थे। मुसलमान जीतते इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है, इसलिए नहीं जीतते कि खालिद बिन वलीद जैसा कमांडर मुसलमानों के पास है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हमें इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमें दूसरों की राय से राय जमानी पड़ेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर्फ मुसलमानों के वोटर पे कोई उनकी चुन के नहीं जाएगा मेरे भाइयों, ये आप ध्यान में रखो। बाकियों के साथ गठजोड़ जरूरी का है, और वंचित बहुजन आघाड़ी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हिंदू वोटर्स वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, और आज के इस नफरत भरे माहौल के अंदर भी वो हिंदू वोटर वंचित बहुजन आघाड़ी की सीख और उसकी कोशिश और उसकी गारंटी के ऊपर एक मुसलमान कैंडिडेट को वोट देने के लिए वो बॉन्डेड है। ये कमाल है वंचित बहुजन आघाड़ी में दोस्तों, हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। हमें इस तरह से पागलपन दिखा के या फिर हड़बड़ी गड़बड़ी में अपने सारे पॉलिटिकल जो बेस है उसको बिगाड़ के नहीं चलेगा। हमें इस चीज को मजबूती से थामना पड़ेगा। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, आपको शेर पढ़ के सुनाता हूँ कि दवाओं के तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं रह ना सका अपनी खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, मैंने खुदा से सब कुछ मांग लिया बस खुदा को छोड़कर। मुसलमानों तुमने सियासत तो कर ली लेकिन सियासत छोड़, सिर्फ उम्मीदवार लड़ाना और इसी को लाओ उसी को लाओ ये एक सियासत नहीं होती। सियासत में समझदारी बड़ी सब अहम चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अफसर खान के ताल्लुक से जो कुछ भी बातें लंबी चौड़ी खींची जा रही है, अफसर खान के आयरों को ढूंढा जा रहा है कि अफसर खान ऐसा है वैसा है, ये सब करने से बेहतर है कि हम मजलूम कौमों की पसंद अगर अफसर खान है तो उनकी राय से अपनी राय मिलाए और उनके हाथों में हाथ देकर हम इस उम्मीदवार को चुन के लाए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप बड़े और फिक्र से तस्लीम करोगे और इसका इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह।